हाई गाइज माई नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू कैम्पस एक्स इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्ले लिस्ट कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पहली बार आर एन एन के बारे में बात करेंगे सो अभी तक हमने दो तरह का न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ाई किया फर्स्ट वॉज ए एन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड देन वी डेट सी एन एन कॉन्वल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट रीकरेंट न्यूरल नेटवर्क ठीक है आई गेस थोड़ा आइडिया आपको पहले से होगा इट इज़ अ स्पेशल क्लास ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स विच आर स्पेसिफिकली यूज फॉर सीक्वेंसेस और एन रिलेटेड टास्क में आर का बहुत इस्तेमाल होता है सो so, आज का जो वीडियो उसका पूरा आइडिया है आपको एक ओवरव्यू देना आर के बारे में और ये समझाना कि आर क्यों यूज़ होते हैं ठीक है लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो गाइज अभी तक हमने अपने डीप लर्निंग कोर्स में दो अलग अलग टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ाई की है द फर्स्ट वन वॉज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो आप जनरली टेबुलर डेटा के ऊपर अप्लाई करते थे और फिर हमने एक सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क पढ़ा जिसको हम बोलते हैं सी एन एन या कॉन्वल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो आप ग्रिड लाइक डेटा के ऊपर इस्तेमाल करते हो या फिर आप इमेजेस या वीडियोज के ऊपर आप सी एन एन को यूज करते हो नाउ वी आर मूविंग इन टू अ थर्ड काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क और इस न्यूरल नेटवर्क का नाम है आरएनएन द फॉर्म इज री करेंट न्यूरल नेटवर्क सो अब हम लोग आरएनएन के बारे में पढ़ाई करेंगे ठीक है अगर मैं आपको एक छोटा डेफिनेशन दे पाऊ आरएनएन का तो आरएनएन इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंशियल मॉडल स्पेसिफिकली डिजाइंड टू वर्क ऑन सीक्वेंशियल डेटा तो ये एक स्पेशल टाइप का न्यूरल नेटवर्क है जो सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर काम करता है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सीक्वेंशियल डेटा क्या होता है सो so, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ विथ सम एग्जाम्पल्स पहले मैं आपको बताता हूँ नॉन सीक्वेंशियल डेटा क्या होता है जैसे कि मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम है वही स्टूडेंट के प्लेसमेंट वाला प्रॉब्लम लेते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट का आई क्यू है उसके मार्क्स हैं और उसका जेंडर है एंड वी वॉन्ट टू प्रिडिक्ट कि उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा एंड वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू मेक अ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लाइक दिस एंड वी वॉन्ट टू प्रिडिक्ट उसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आई क्यू यहाँ पे मार्क्स और यहां पे आप जेंडर का इनपुट भेजोगे राइट बट लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन व्हाट इफ मैं आईक्यू को सेकेंड नंबर पे ले जाऊं और मार्क्स को फर्स्ट नंबर पे ले आऊं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा हमारे रिजल्ट में या हमारे इस न्यूरल नेटवर्क के वर्किंग में द आंसर इज नो ये जो हमारा डेटा है ये एक्चुअली एक तरीके का नॉन सीक्वेंशियल डेटा है वेयर सीक्वेंस डज नॉट मैटर बट आर सर्टेन डेटा सेट्स और डेटा टाइप्स जहां पे सीक्वेंस मैटर करता है ठीक है उसका एग्जाम्पल हो सकता है टेक्स्ट हाय माय नेम इज नितिश अब यहां पर अगर आप ध्यान दो तो जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के बाद आ रहे हैं सीक्वेंशली और ये जो सीक्वेंस है वो मैटर करता है आई कैन नॉट राइट नितिश इज़ माई नेम हाई ग्रामेटिकली इट्स इनकरेक्ट तो जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम वर्ड बाय वर्ड बेसिस पर पढ़ते हैं और हम कॉन्टेक्स्ट रिटेन करते हैं कि पहले क्या आया उसके बाद क्या आया उसके बाद क्या आया, बाद क्या आया और फिर इवेंचुअली हम उसको जोड़ के उसका मीनिंग समझते हैं तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल डेटा किसी भी टाइप का टेक्सचुअल डेटा आप उठा लो इट इज़ सीक्वेंशियल डेटा एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ वन मोर एग्ज़ाम्पल इज़ टाइम सीरीज बेस्ड डेटा मान लो आप एक कंपनी के स्टॉक का ग्राफ देख रहे हो ओवर टाइम 2001 में कितना था 2002 में कितना था 2003 में कितना था तो ये जो ग्राफ है ये एक टाइम सीरीज बेस्ड ग्राफ है और ये भी एक सीक्वेंशियल डेटा का एग्जाम्पल है बिकॉज यहाँ पर भी सीक्वेंस मैटर कर रहा है पास्ट में चीजें कैसी रही हैं उस पर ही डिपेंड करेगा कि आगे चीजें कहाँ जाएंगी ठीक है वन मोर एग्जाम्पल स्पीच सो मैं जो भी बोल रहा हूँ या फिर आप कहीं भी कुछ भी ऑडियो सुन रहे हो तो आप उसका भी एक वेवफॉर्म फॉर्म बना सकते हो एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल डेटा एंड गेस वॉट हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पर यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ सीक्वेंशियल डेटा वन मोर एग्जाम्पल कुएनए सीक्वेंस ठीक है तो इस तरीके से घुस घुस के आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स जहां पर जो डेटा है वो सीक्वेंशियल फॉर्म लेता है ठीक है तो आर एन एन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क विच इज एप्लीकेबल ऑन सीक्वेंशियल डेटा ठीक है और इसीलिए शायद आपने सुना होगा कि आर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एन के डोमेन में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के डोमेन में एन के डोमेन में पहले भी मशीन लर्निंग बहुत अप्लाई होता था बट जब से आर आए हैं तब से काइंड ऑफ एक रिवॉल्यूशन आ गया है बिकॉज़ आर एन एन्स आर वेल सूटेड फॉर टेक्स्ट डेटा जस्ट लाइक सी जो कि ग्रिड्स वाले डेटा के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है एंड दैट इज़ बाई इमेजेस के ऊपर बहुत यूज़ होता है और कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम के ऊपर बहुत अप्लाई होता है सिमिलरली आर एन एन इज़ अ क्लास ऑफ न्यूरल नेटवर्क जो एन एल पी रिलेटेड एरियाज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है सो so, अब हमारा अगले कुछ वीडियोज़ में टारगेट ये होगा कि हम अच्छे से आर एन एन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज का जो वीडियो है उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें काइंड ऑफ आपको बताऊंगा जो आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगी सबसे पहले हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आर की जरूरत क्यों है अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि आर की ज़रूरत होती है सीक्वेंशियल डेटा को मॉडल करने के लिए बट वाई आर आर एन के बदले आप ए क्यों नहीं यूज़ कर सकते और सी क्यों नहीं यूज़ कर सकते हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है आर ठीक है सेकेंड वी विल ऑल्सो डिस्कस सम एप्लीकेशन एरियाज जहाँ पर आज के दिन में आर एन एनस यूज़ होते हैं और लास्टली वीडियो ख़त्म करने के पहले आई एल गिव यू अ सॉर्ट ऑफ रोड मैप कि हम अगले कुछ वीडियोज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सो so दैट आपको एक पर्स्पेक्टिव मिले चलो गाइज अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आर एन एन बना यूज़ करने की ज़रूरत क्या है मतलब ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर ए को यूज़ नहीं कर सकते ठीक है तो ये पूरी चीज़ समझाने के लिए आई टेक एन एग्जाम्पल मान लो हम लोग एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉडल बना रहे हैं ठीक है जिसका काम है टेक्स्ट को क्लासिफाई करना दो क्लासेस हैं जीरो और वन सो so, हमारे पास ये ट्रेनिंग डेटा है हमारे पास तीन सेंटेंसेज हैं और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं जीरो है या वन ये हमें पहले से पता है हमें एक एन एन ट्रेन करना है जो एक नए गिवन सेंटेंस के लिए वन या जीरो का प्रिडिक्शन देगा तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा न्यूरल नेटवर्क कुछ ऐसा दिखाई देता है दिस इज द न्यूरल नेटवर्क ठीक है यहाँ पे हम इनपुट देंगे अभी इस जगह से अब सबसे पहला चैलेंज तो हमारे सामने ये है कि हम इनपुट देंगे कैसे यहाँ पे ये यह सारे जो इनपुट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये टेक्स्ट है हमारा न्यूरल नेटवर्क तो टेक्स्ट समझेगा नहीं तो सबसे पहले हमें किसी तरीके से इसको वैक्टराइज़ करना पड़ेगा अब वैक्टराइज़ करने के कई तरीके हैं वन हॉट इनकोडिंग किया जा सकता है बैग ऑफ वर्ड किया जा सकता है टी एफ आई किया जा सकता है वर्ड टू वैक किया जा सकता है हम सबसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं वन हॉट इनकोडिंग सो so, हम क्या करेंगे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पूरे के पूरे वोकेबलरी में कितने यूनिक वर्ड्स हैं तो यहाँ पे देर आर फाइव यूनिक वर्ड्स यहाँ पे थ्री यूनिक वर्ड्स एंड यहाँ पे फोर यूनिक वर्ड्स सो टोटल देर आर ट्वेल्व यूनिक वर्ड्स यू कैन इमेजिन अगर ये डेटा बहुत बड़ा होता और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इनपुट होते तो हमारे पास सिर्फ ट्वेल्व यूनिक वर्ड्स नहीं होते बहुत सारे यूनिक वर्ड्स होते बट अब हम क्या कर सकते हैं कि इस हाई को वी कैन रिप्रेजेंट विथ अ वेक्टर लाइक दिस टोटल मिला के इसमें ट्वेल्व आइटम्स होंगे अगर फर्स्ट आइटम वन है इसका मतलब ये हाई है सिमिलरली अगर सेकेंड आइटम वन है तो इसका मतलब ये माई है सिमिलरली अगर थर्ड आइटम वन है तो इसका मतलब ये नेम है ठीक है तो हमने क्या किया हमने हर वर्ड को एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है अब देखो हम क्या करेंगे सो so, हम क्या करेंगे हम वर्ड बाय वर्ड सारे वेक्टर्स को लेंगे सो so, ये जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है हमने इसको लिया दिस इज द फर्स्ट वेक्टर। इसमें देर आर ट्वेल्व आइटम्स फर्स्ट वन इज़ वन फिर हमने माई को लिया इसमें सेकेंड वाला वन है फिर हमने नेम को लिया फिर हमने इज़ को लिया और फिर हमने फाइनली नितिश को लिया तो ये सारे वेक्टर्स को हमने वर्टिकली स्टैक कर दिया और ये बन गया हमारा इनपुट लेयर, ठीक है और सिंस इट इज अ फुली कनेक्टेड लेयर तो ये ट्वेल्व ये ट्वेल्व ये ट्वेल्व ये ट्वेल्व और ये ट्वेल्व मतलब आर रिक्सटी और यहां पे देर आर फोर तो यहां पे जो वेट होगा वो एक मैट्रिक्स होगा सिक्सटी क्रॉस फोर का मतलब दो सौ चालीस वेट्स होंगे प्रॉब्लम सॉल्व बट अगर आप ध्यान से देखो तो देर इज अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो अगला सेंटेंस है उसको जब आप इनपुट देने जाओगे तो दैट विल बी थ्री वर्टिकली स्टैक वेक्टर्स ऑफ ट्वेल्व 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 बट इस बार तो इनपुट साइज इज थर्टी सिक्स सिमिलरली थर्ड वाले के केस में इनपुट साइज़ इज़ फोर्टी एट अब आप सोच के बताओ कि क्या आपने ऐसा कोई न्यूरल नेटवर्क देखा है कोई ऐसा ए एन एन देखा है जहाँ पर आप इनपुट साइज़ को वेरी कर सकते हो चेंज कर सकते हो द आंसर इज नो यू कैन नॉट एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आपका जो टेक्चुअल डेटा होता है वो डिफरेंट साइज़ का हो सकता है ऐसा तो नहीं है ना कि आपके सारे इनपुट टेक्स्ट बराबर वर्ड्स के होंगे बराबर नंबर ऑफ वर्ड्स के होंगे अगर वो नहीं होगा तो फिर ये वाला लेयर तो आपका फॉर्म ही नहीं हो सकता एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम अब यहाँ पर आप दिमाग लगा सकते हो आप ये बोल सकते हो कि वॉट इफ़ मैं पता कर लूँ कि इनमें से कौन सा सेंटेंस में सबसे ज़्यादा वर्ड्स हैं कौन सा सेंटेंस है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स हैं फर्स्ट वाला और इसमें फाइव वर्ड्स हैं तो हम क्या करेंगे हम ज़ीरो पैडिंग यूज करेंगे ज़ीरो पैडिंग में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ मान लो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है जो हमने ऊपर बनाया था हमने जब फर्स्ट वाला डाला था तो एक्चुअली इस तरीके से पांच इनपुट्स थे पांच वर्ड के लिए राइट बट सेकेंड वाले में प्रॉब्लम क्या था सेकेंड वाले में प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ तीन ही बन रहे थे तो आप क्या करोगे आप अपनी मर्जी से दो और वेक्टर्स ऐड कर दोगे और इसमें सारे ही ज़ीरो होंगे साइज इसका भी ट्वेल्व होगा बट सारे ज़ीरो होंगे ठीक है सिमिलरली जब आप थर्ड सेंटेंस डालोगे जिसमें आपके चार वर्ड्स हैं उस केस में आप क्या करोगे उस केस में यहां तक आपके पास वर्ड्स हैं ये लास्ट वाला आप अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो ऐड कर दोगे तो अब आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जो प्रॉब्लम था वेरिंग साइज़ का ठीक है लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत जुगाड़ू सॉल्यूशन है और प्रॉब्लम हो सकता है कैसे सोच के देखो इमेजिन करो यहाँ पे तो आपके पास हर वर्ड को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे यूजिंग ट्वेल्व डिजिट्स व्हाट इफ़ हमारे पास एक वोकेबलरी है

ऑल्सो हो सकता है कि जो मैक्सिमम वर्ड वाला इनपुट था उसमें देर वर हंड्रेड वर्ड्स राइट तो और कोई मिनिमम वर्ड वाला जो इनपुट था वो मान लो हमारे पास आ, सिर्फ फाइव वर्ड्स का था तो इस केस में आप क्या कर रहे हो आप फाइव तो ऐसे लगा रहे हो बट बाकी के आप 95 फाइव वर्ड्स जीरो पैडिंग कर रहे हो राइट नाउ जस्ट इमेजिन आप कितना ज्यादा इरेलीवेंट काम कर रहे हो या फोर्सफुल काम कर रहे हो इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है राइट right. और ऐसा करने से आपके नंबर ऑफ ये जो वेट्स होंगे ये भी कितना बढ़ जाएगा इमेजिन आपने ज़ीरो पैडिंग किया फॉर हंड्रेड वर्ड्स एंड ईच वर्ड हैज टेन थाउजेंड नंबर्स तो जो आपका इनपुट का शेप है वो है दस लाख और मान लो आपने हिडन लेयर में दस यूनिट्स भी लगाए तो ये नंबर ऑफ वेट्स हो जाएंगे एक करोड़ और इतना मेहनत आप क्यों कर रहे हो जबरदस्ती का इस जीरो फिटिंग जीरो पैडिंग को फिट करने के लिए सो so बेसिकली मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर आप एक प्रॉपर एनएलपी टास्क के लिए ए को यूज करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम यह आएगा कि यू विल डू अ लॉट ऑफ अननेसेसरी कंप्यूटेशन जिसकी जरूरत भी नहीं है राइट right. सेकेंड एक प्रॉब्लम अभी और भी है प्रॉब्लम ये है कि चलो मान लिया आपने जीरो पैडिंग कर दिया हंड्रेड वर्ड्स के लिए आपने जीरो पैडिंग कर दिया बट वॉट इफ जब आप प्रिडिक्शन करने जा रहे हो और किसी ने इनपुट में एक ऐसा टेक्स्ट भेजा जिसमें टू हंड्रेड वर्ड्स हैं तब तो आपका ये जीरो पैडिंग भी फेल कर जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट आउटपुट सो अभी तक आपको दो रीज़न्स मिल गए पहला रीज़न ये है कि अगर आप ज़ीरो पैडिंग करके इनफैक्ट पहला प्रॉब्लम यह है कि जो टेक्स्ट इनपुट होता है वो जनरली वेरिंग साइज़ का होता है ये खुद में एक प्रॉब्लम है और सेकंड अगर आपने इसको हैंडल करने के लिए ज़ीरो पैडिंग जैसा टेक्निक यूज़ भी किया तो भी यू विल डू अ लॉट ऑफ अननेसेसरी कंप्यूटेशन और आपने अननेसेसरी कंप्यूटेशन कर भी दिया तो प्रिडिक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है ये तीन तो क्लियर कट प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे होंगे इफ यू आर गोइंग टू यूज अ ए एन एन ऑन अ सीक्वेंशियल डेटा अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर टोटली दिस रिगार्डिंग द सीक्वेंस इंफॉर्मेशन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एक पर्टिकुलर सेंटेंस को ले रहे हो और उसके सारे वर्ड्स को एक साथ एक ही मोमेंट पे इस नेटवर्क में भेज दे रहे हो राइट right? तो फिर कोई वर्ड पहले और कोई वर्ड बाद में है ये इन्फॉर्मेशन तो आप लूज़ कर रहे हो ना हाई पहले आया है, माई पहले आया ये इन्फॉर्मेशन आप लूज कर रहे हो बिकॉज आपके सारे वर्ड्स इस नेटवर्क में एक साथ घुस रहे हैं एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ठीक है आपके टेक्स्ट में जो सिमेंटिक मीनिंग था ठीक है जो हिडन मीनिंग था बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस वो आप लूज़ कर रहे हो अगर आप एन यूज़ कर रहे हो बिकॉज बाय डिज़ाइन ए डज नॉट हैव दैट केपेबिलिटी टू हैव मेमरी कि पहले क्या आया बाद में क्या आया सो so, वो कुछ रिटेन नहीं कर सकता है सो so, यही तीन सबसे बड़े रीज़न हैं पहला रीज़न ये है कि आपके पास वेरिंग साइज का इनपुट आएगा जिसको हैंडल करने के लिए आपको ज़बरदस्ती ज़ीरो पैडिंग जैसा टेक्निक यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से अननेसेसरी कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे और वो करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में प्रिडिक्शन करते टाइम कुछ बहुत बड़ा इनपुट आ जाए जिसके लिए आपने अपने मॉडल को ट्रेन ही नहीं किया और ये सब कर भी लिया अगर आपने तो भी आपका एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं आएगा बिकॉज आपने टेक्स्ट के अंदर का जो सिमेंटिक मीनिंग है उसको कैप्चर किया ही नहीं बिकॉज जो ए आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर वो केपेबिलिटी है ही नहीं वो बाई डिज़ाइन याद नहीं रख सकता कौन सी चीज़ पहले आई थी कौन सी चीज़ बाद में आई थी एंड दैट इज़ वाई आर की ज़रूरत है लोगों ने सोचा कि अगर ये काम ए नहीं कर पा रहा है तो लेट्स क्रिएट अ एंटायरली न्यू आर्किटेक्चर जो स्पेसिफिकली सीक्वेंस बेस्ड डेटा के लिए काम करे ठीक है और वहीं पे फिर आर का जन्म हुआ ऑल दो बहुत पहले आ चुके थे नाइनटीन में बाकी ए एन एल्गो की तरह बट स्टिल फेमस रिसेंटली हुए बट यू गेट द कि RNN की जरूरत क्यों है सो so, हमने भी जस्ट देखा कि RNNs की जरूरत क्यों है अब मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए साथ ही साथ आपको थोड़ा इंस्पायर करने के लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस यूज केसेस दिखाता हूँ जहाँ पे आर आज की डेट में यूज होते हैं ठीक है सो so, एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं बट मैं आपके सामने तीन चार रख रहा हूँ जो आपने शायद देखे होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है ठीक है तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन एरिया है वो है सेंटिमेंट एनालिसिस सो सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप इनपुट में आपको एक टेक्स्ट मिलता है और आपको पलट के बताना है कि उस टेक्स्ट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ये एप्लीकेशन ऑल दो पहले मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल से बहुत बनाया जाता था बट जब से आर आए हैं और डीप लर्निंग फेमस हुआ है तब से दे आर गिविंग यू द स्टेट ऑफ आर्ट रिजल्ट ठीक है तो लेट मी शो यू वॉट आई विल डू इज़ ये एक मूवी है रेस थ्री हम इसका रिव्यू कोई भी उठा रहे हैं आई एम डी बी से और जैसे ये रिव्यू हमने कॉपी किया और ये एक डेमो वेबसाइट है यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया और जैसे आप रन एनालिसिस पे क्लिक कर रहे हो यू कैन सी ये सारा का सारा एक डिटेल्ड एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल के आपको दिखा रहा है साथ ही साथ आपको एक स्कोर दे रहा है जहां पे ये बता रहा है कि दिस द सेंटिमेंट ऑफ दिस रिव्यू इज नेगेटिव और जो मैग्नीट्यूड है वो है माइनस पॉइंट फाइव एट ठीक है तो यू कैन सी इट्स सो इजी राइट आप यहाँ पर अगर आप कोई पॉजिटिव रिव्यू डालते तो आपको तुरंत वो बता देता कि रिव्यू इज पॉजिटिव तो बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है Uh, जैसे कि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज क्या कर सकती हैं कि वो किसी प्रोडक्ट के सारे रिव्यूज़ को इस मॉडल के अंदर डाल के दे कैन एक्चुअली फाइंड आउट कितने परसेंट रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं कितने परसेंट रिव्यूज़ नेगेटिव हैं तो ई e कॉमर्स में इसका बहुत यूज़ हो सकता है एक और इंटरेस्टिंग आपको मैं आर का एप्लीकेशन दिखाता हूँ जो आपने शायद जी में भी देखा होगा uh, इसको बोला जाता है सेंटेंस कंप्लीशन ठीक है सो वॉट हैपन्स इज कि जैसी आप कोई टेंस टाइप करते हो जी में लेट से आपने लिखा आई होप जैसे आपने ये लिखा ऑटोमेटिकली जी मेल इज प्रिडिक्ट कि आगे का सेंटेंस ये हो सकता है ठीक है तो सेंटेंस कंप्लीशन इज एक्चुअली अ वेरी गुड यूज केस जहां पे आर आज की डेट में यूज हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स में इसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ठीक है आपने शायद आ, अपना फोन का की भी यूज किया होगा वहां पर भी हमेशा नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट किया जाता है तो अगेन इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर एन एन एक और बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इज इमेज कैप्शन जनरेटर सो ये एप्लीकेशन क्या करता है कि अगर आप यहाँ पर एक इमेज अपलोड करते हो तो ये आपको एक टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन दे देता है उस इमेज का जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे मशीन पे कुछ फाइल्स हैं आ, जैसे कि जस्ट टू शो यू दिस एप्लीकेशन मैंने ये मिर्जापुर का इमेज डाउनलोड किया था आप जैसे ही जनरेट कैप्शन पे क्लिक करते हो ये पहले मॉडल्स को लोड करेगा उसके बाद एनालाइज करेगा और फिर टेक्स्ट को जनरेट करेगा ठीक है लेट्स वेट फॉर अ मिनट एंड नाउ यू कैन सी ये रहे अलग-अलग टाइप -अलग के डिस्क्रिप्शनस ठीक है सो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस कुड बी यूजफुल इन सर्टेन सिनेरियोस जैसे मान लो कोई uh, कोई ब्लाइंड आदमी है जिसको दिखाई नहीं देता अ uh, उसके फोन में ये ऐप हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं कि वो वीडियो कैमरा से Uh, कहीं पे नेविगेट कर रहा होगा और वो ऐप क्या करेगा कि कॉन्स्टेंटली वीडियो को इमेज में कन्वर्ट करके इस मॉडल को देगा और ये मॉडल क्या करेगा एक टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन जनरेट करेगा उसके आस के एनवामेंट का और इसको एक कांस्टेंट कमेंट्री मिल रही होगी कि उसके आसपास में क्या चल रहा है देर इज अ कार कमिंग देर इज अ रोड समथिंग लाइक दैट ठीक है तो इट इज अगेन वेरी यूजफुल एंड प्रेटी मैजिकल एक्चुअली मतलब एक कोड ये कर पा रहा है दिस इज एक्चुअली वेरी मैजिकल एंड दिस इज द पावर ऑफ आर एन एन द फोर्थ एप्लीकेशन इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन जो आपने बहुत देखा भी, देखा भी होगा पहले गूगल ट्रांसलेट मशीन ट्रांसलेशन जिसको बोला जाता है इट इज अग एप्लीकेशन ऑफ आर एन एन सो लेट्स दिस सो यू कैन सी जैसे ही मैंने लिखा और भाई क्या हाल है तो इट इज गिविंग मी व्हाट्सअप ब्रदर ठीक है ऑल्सो uh, यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं पहला लैंग्वेज डिटेक्शन हो रहा है ठीक है सो so, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि मैं हिंदी में टाइप करूंगा बट उसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया दिस इज अगेन आर एन ए नेटवर्क और फिर जो सेकेंड पार्ट है वो है मशीन ट्रांसलेशन uh, जो कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है विच इज़ अगेन अ प्रिटी बिग डील इमेजिन आपके पास एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको लेके कि आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो और आप

तो ये आपको बता देगा लाइक लेट मी सर्च फॉर टेस्ला सो लेट्स गो टू द विकीपीडिया पेज एंड लेट्स कॉपी दिस मच ओके एंड हम यहाँ पे जा रहे हैं पेस्ट कर रहे हैं एंड वी आर आस्किंग वेन वॉज टेस्ला इन कॉर्पोरेटेड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम हु लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ टेस्ला ठीक है और एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ सकते हैं हम लोग वी कैन आस्क वॉट डज टेस्ला डिजाइन ठीक है और हमने सबमिट पे क्लिक किया एंड लेट्स वेट सो यहाँ पे तो क्लियरली कुछ कुछ गलतियां दिख रही हैं जैसे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दिख रहा है जो कि आई गेस गलत है लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ टेस्ला यहाँ पे भी आंसर सही नहीं आ रहा है बट वॉट डेस्ला डिजाइन में इलेक्ट्रिक वेहीकल्स आ रहा है ठीक है बट यू गेट द आइडिया की कितना पावरफुल है ये मॉडल अगर ये सही से काम करे यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड बंच ऑफ टेक्स्ट एंड यू कैन ठीक है मतलब मेडिकल uh, फील्ड में इसका बहुत यूसेज हो सकता है uh, एक वेबसाइट का पूरा कंटेंट दे सकते हो और यूजर क्वेश्चन पूछ सकता है अबाउट द वेब पेज सो अलॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन यूजिंग दिस ठीक है तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगे बट ट्रस्ट मी इसके अलावा भी यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स By using RNNs, you can do time series forecasting, you can do speech classification, you can do a lot of things. theek hai ठीक है तो hamara goal हमारा ki है कि हम bahut acche se को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फिर कुछ interesting projects ke कुछ bhi kaam के ऊपर भी काम करेंगे sath so, अब मैं आपके साथ main करता हूँ कि मैं आपको hu so कैसे पढ़ाने वाला हूँ सो so, ये वीडियो तो पूरा इंट्रोडक्शन का था अब गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको सिंपल आर पढ़ाऊँगा जो सबसे सिंपलेस्ट आर एन आर्किटेक्चर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक आर का आर्किटेक्चर कैसा होता है हम उसको कोड करेंगे केराज में और एक दो छोटे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिससे आप आर पूरे अच्छे तरीके से समझ पाओ ठीक है उसके बाद हम सीखेंगे कि बैक प्रपोगेशन कैसे काम करता है इन आर एन एन सो आर एन एन में जो बैक प्रपोगेशन होता है उसको बोला जाता है बैक प्रपोगेशन इन टाइम ठीक है तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करेंगे कि आर में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ठीक है सो वैनिश इंग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं हम वो स्टडी करेंगे और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है उस प्रोसेस में हम लोग दो और नए आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे एल एस टी एम एंड ग्रू गेटेड रिकरेंट यूनिट ठीक है और इतना करने के बाद हम लोग फिर एक चीज़ और देख लेंगे टाइप्स ऑफ आर एन एन सो देर आर थ्री फोर टाइप्स ऑफ आर एन एन आरकिटेक्चर्स हम वो सारे स्टडी करेंगे थोड़ा और आपको पर्सपेक्टिव मिला इसलिए उसके बाद हम लोग थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट मूव करेंगे जैसे कि हम पढ़ेंगे डीप आर एन एन जहाँ पर मल्टीपल लेयर्स स्टैक किए जाते हैं और लास्टली वी विल डिस्कस बाई डायरेक्शनल आर एन एनस ठीक है और फिर हम लोग मूव कर जाएंगे सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स में सो दैट्स द प्लान सो दैट वॉज द वीडियो वाइज आई गेस आपको वीडियो पसंद आया और आपको ये समझ में आया कि आर की जरूरत क्यों है अब गोइंग फॉरवर्ड हम लोग धीरे धीरे आर को पढ़ेंगे और काफी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले फर्स्ट uh, हम लोग थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे थोड़ा कोड लिखेंगे और फिर हम लोग कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे ठीक है सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय